मेरे पास आसाम से आई हैं और आपने बताया आपको 5 साल से प्रॉब्लम थी। आप डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने चेकअप किया था आपका। पहले तो ये बताइए 5 साल से क्या प्रॉब्लम थी, क्या फील करते थे? वही कि कॉन्स्टिपेशन होता था, मतलब स्टूल पास करने में दिक्कत होता था और दर्द होता था। उसके बाद फिर कभी कभी थोड़ा ब्लीडिंग भी आते थे, तो फिर हमने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर, मतलब 5 साल से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता था और आपने पेन नोटिस किया, पेन हो रहा था और ब्लीडिंग भी नोटिस किया, ब्लीडिंग भी होता था। तो 5 साल तक आप, क्योंकि आपने आपने बताया आप सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास आ रही। मैं ऐसे आयुर्वेदिक में ले रही थी, उससे वो कंट्रोल तो हो रहा था, लेकिन मतलब पहले किसी भी डॉक्टर ने आपका चेकअप नहीं किया? पहले चेकअप नहीं किया, मैं आयुर्वेदिक मेडिकेशन कर रही थी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो किसी ब्रांडेड कंपनी की होती है? ब्रांडेड नहीं है वो, ऐसे कोई वैद्य या डॉक्टर जो आपको खुद कुछ आयुर्वेदिक बना के देते थे? तो ये गांव में कोई वैद्य होते थे जो इनको कुछ मेडिकेशन जड़ी बूटी बना के देते थे, ये वो करती रही हैं। 5 साल से इनको पेन ब्लीडिंग होता था और आपने बताया जब आप अभी हाल ही में किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने चेकअप करके आपको क्या एक्सप्लेन किया? अब यहाँ पे ये होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का पहला काम होता है कि डॉक्टर जब चेकअप कर रहे हैं तो डिजिटल चेकअप करे ताकि वो पेशेंट को उसकी पिक दिखा के एक्सप्लेन कर सके। अब डॉक्टर को चेकअप करता है, उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया डॉक्टर ने आपको, देखा, देखने के बाद सर्जरी, तो इनका चेकअप किया, चेकअप करने के बाद डायरेक्ट आपको सर्जरी बोल दिया, यानी आपको डिजीज़ क्या है वो भी नहीं बोला, सर्जरी कैसे करेंगे किस प्रकार की वो भी नहीं। तो ये डॉक्टर ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर चेकअप करें। चेकअप करने के बाद पेशेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन जब पेशेंट कैबिन से बाहर जाए उसके सारे क्वेश्चन के आंसर उसको मिलने चाहिए। आपको हुआ क्या है, क्या डिजीज़ है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या है, सब एक्सप्लेन करना चाहिए। तो डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं करता, सीधा सर्जरी की, चलो सर्जरी करते हैं, ये ठीक नहीं होता। ये डॉक्टर ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करें। एंड जब हमने इनका चेकअप किया तो इनको ये दिमाग में इनका यही फिल्म थी कि पाइल्स है, बट जब हमने चेकअप किया तो मुझे फिशर एंड सेंट्रल टाइप का इशू मिला है जो कि पाइल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर मिसगाइड ना करें, प्रॉपर एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट जो होता है हर चीज़ को पाइल समझ रहा होता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि एनल में प्रॉब्लम है तो आपको पाइल्स है। ठीक है, तो अच्छे डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएं और जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, वो डॉक्टर से पूछा करें। थैंक यू।